नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। सर्द मौसम हो चुका है, दूसरी ओर चीन में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसी के बीच देवास में कुछ किसान आज यहां पर धरना स्थल देवास का यहां पर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि रसूलपुर स्थित जो उनकी ज़मीन है, यहाँ पर जो एक ट्रांसपोर्ट नगर, मैकेनिक नगर की जो स्थापना होना है विकास प्राधिकरण द्वारा, उसके लेकर इनकी जो ज़मीन है यहाँ पर, वो उस जो शासन की जो गाइडलाइन है उससे ये संतुष्ट नहीं आ रहे हैं, नज़र नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर प्राधिकरण ने पिछले दिनों प्रशासनिक अमले को लेकर पुलिस के जो अमला है उनके साथ जाकर यहाँ पर उनकी जो धरना स्थल पर जो बैठे थे उनकी ज़मीन पर, वहाँ से इन लोगों को धरने से हटा दिया था। उसके बाद ये लोग भोपाल गए, वहाँ भी इन्होंने नगरी प्रशासन मंत्री के सामने अपनी बात रखी, लेकिन बात आज भूख हड़ताल तक आज पहुँची है। ये लोग धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर पहुँचे हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं और आज पहला दिन है। हम जानते हैं यहाँ किसानों से कि आखिर वो चाहते क्या हैं। भैया ये बताएं कि आपने धरना स्थल जो है आपने वहाँ बनाया था अपनी ज़मीन पर रसूलपुर में, उसके बाद आप भोपाल गए, उसके बाद आज अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या है थोड़ा सा कुछ बताएं आप। सर, हम लोग इसलिए बैठे हैं कि रसूलपुर में हमारी ज़मीन है जो ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम में ली है और सरकार हमको मात्र 4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, जो कुल मिला के मतलब नी के बराबर या फ्री में ही ज़मीन ले रही है। तो हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का जो आज की गाइडलाइंस है उससे उचित या तो मुआवजा दिया जाए या फिर सरकार की जो योजनाएं चलती है जिसमें 50-50 योजना है या सरकार भागीदारी बनाती है किसान को, वो उस स्कीम में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एक बीघा या आधा आधा बीघा ज़मीन है ना। तो अब अगर इस योजना में हमको अगर शामिल करते हैं तो हम तो बहुत गरीब लोग हैं, तो हमारे बच्चे छोटा मोटा कोई धंधा लगा लें, हम लोग लगा लें तो हम अपना पेट पाल सकते हैं, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप शासन की योजनाओं की बात कर रहे हैं, कहाँ पर 50-50 रेशो की बात हो रही है, थोड़े बताएं आप। साहब, इंदौर में भी हुई है, प्राधिकरण आईडीए ने जो कुछ जमीन ली वहाँ भी 50-50 योजना हुई है, उसके बाद उज्जैन में हुई है, उसके बाद अभी सुपर कॉरिडोर देवास में हुई है, वहाँ पर भी किसानों को 50-50 योजना में शामिल किया है सरकार ने। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको जो भूख हड़ताल जो कर रहे हैं आप, तो ये भूख हड़ताल कितने दिन तक रहेगी? आप अनिश्चितकाल भूख हड़ताल है। लेकिन प्रशासन ने आपको अनुमति तो दी होगी, किस आधार पर दी? प्रशासन ने हमें 5 दिन की अनुमति दी है, आगे और देगी, क्योंकि हम उठना नहीं चाहते, हम यहीं मर जाएंगे, हम बहुत परेशान हैं, हमारा बीवी बच्चे सब यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमको धरने वाले लोग नहीं है, पर क्या करें, हम आत्मदाह करने के नौबत पा चुके हैं। हम इससे वो नहीं करते हुए, क्योंकि सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती, जिस चीज़ की सरकार इजाज़त देती है उस चीज़ को हम मांग रख रहे हैं कि हमें हमारी रेशो 50-50 में ज़मीन करी जाए, जो देवास में आपने सुपर कॉरिडोर के नाम पे जो स्कीम चल रही है उसमें करी है, हम भी उसी स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, हम भी उसी देश की जनता हैं, उसी देवास की जनता हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप भोपाल गए थे, वहाँ पर मंत्री जी से भी जो उनके SDO उनसे मुलाकात हुई आपकी? मंत्री जी ने आश्वासन दिया, SDM साहब वगैरह से इन्होंने फाइल मंगाई, उन्होंने 24 घंटे में फाइल का उन्होंने उनको फ़ोन पे बात करी थी हमारे सामने, अब ये लोगों ने उनको दी नहीं दी या हमें कोई पता नहीं इस बारे में, अब वहाँ से हमारे पास जब खबर आएगी इसका कोई जानकारी नहीं अभी हमारे को। उन लोग मंत्री साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि हाँ हम आपके वास्ते करेंगे, पर हमारे पास उन्होंने 3 दिन हो गए, 24 घंटे आ गया था, 3 दिन तक के हम रास्ता देखा उनका, कोई आश्वासन नहीं आया उनका, तो हमको भूख हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा। ये वही लोग हैं जो अपनी बात रखने के लिए प्रदेश सरकार तक पहुँचे, लेकिन ना प्रदेश सरकार ने उनकी बात सुनी, ना जिला प्रशासन में उनकी कोई बात की हलचल हुई। नमस्कार दोस्तों।